में प्रोस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरो शाही नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। खेतों में लगी आग, गेहूं की खड़ी फसल जलकर हुई खाक। अहरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा डी के पास दोपहर में अचानक खेतों में आग लगने से खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई, जिसमें 10 किसानों का लगभग दर्जन बीघा गेहूं खड़ी की फसल खेत में ही जलकर खाक हो गई। डी निवासी संग्राम सिंह पुत्र छनन का 203 बीघा जमीन है। वही बृदेश्वर सोनकर व मदन मोहन पांडे, विश्राम सोनकर आदि का गेहूं फसल जलकर राख हो गया। वही स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिससे बहुत बड़ी क्षति होने से बच पाया। मौके पर विद्युत विभाग के एसडीओ ने विद्युत को बंद करवाया। वही क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि खेत के ऊपर से गए बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी की वजह से खेतों में आग लग गई। आग लगने से किसानों की लाखों की क्षति हो गई। गांव वालों ने अपने स्तर से ही आग पर काबू पाया। हाँ नहीं तो हाई पूरा ले ले तो अब तक। हाँ अरे वो तो कैसे दौड़ लग गए खराब पर वो हवा हवा नहीं तो हवा ही खत्म हो रहा है ना। तब वो पास पकड़ा तब तो बड़ा आफत हो जाए। वो थमावा तक मारा मारा रे मिर्जापुर से अनिश कुमार की एक रिपोर्ट।